केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में इंटर मॉडल स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इस स्टेशन में बस, रेल और हेलीकॉप्टर सेवा एक ही जगह से मिलेगी। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद इंटर मॉडल स्टेशन का महत्व बढ़ जाएगा। नितिन गडकरी डोडा में आयोजित ई आधारशिला कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने हाईवे से जुड़ी 25 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्ष में सरकार जम्मू कश्मीर में सड़कों पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। प्रदेश को 7 हाईवे मिले हैं, जिसमें से 6 हाईवे जम्मू संभाग में बनेंगे, जिसमें कठुआ, बसोली, बनी, भद्रवा, डोडा 170 किलोमीटर, डोडा भद्रवा चंबा 132 किलोमीटर, दयालाचक बिलावर महानपुर बसोली 118 किलोमीटर, तवी ब्रिज एयरपोर्ट मीरा साहब आरसपुरा सुचेतगढ़ 145 किलोमीटर आदि शामिल है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मौत के 4,000 से ज्यादा मामलों में सरकार मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की राहत राशि सीधे उनके खातों में डालेगी। ये प्रक्रिया 2 माह के भीतर मुकम्मल कर ली जाएगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारिणी कमेटी की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल समेत तमाम लोगों को चिकित्सा इमरजेंसी में राजभवन का हेलीकॉप्टर मिलेगा। दूर दराज इलाकों में कई बार मरीजों, घायलों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है। विशेष एम्बुलेंस सेवा की मांग पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राजभवन में 2 हेलीकॉप्टर तत्काल आम लोगों के सामने आने वाली आपात परिस्थिति के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। जनजातीय संस्कृति महोत्सव में उन्होंने कहा, एसटी वर्ग के लोगों की होती रही उपेक्षा, अब सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। इस दौरान दूरदराज से आए कलाकारों ने गोजरी बकरवाली गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति देकर अपनी संस्कृति की छटा बिखेरी। चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दबाव के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अगले आदेश तक नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी और लक्ष्मण रेखा येलो लाइन अभियान पर रोक लगा दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हजारों लोग प्रभावित होंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए JDA और हाउसिंग बोर्ड वाणिज्यिक व आवासीय स्थलों का निर्माण करे। जम्मू जिले में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए रात में कर्फ्यू में सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें आवश्यक सेवाओं को ही बहाल रखा जाएगा। रात 10 बजे के बाद भीड़ जुटाने वाली गतिविधियां करने वाले होटलों और बैंक्वेट हॉल पर जुर्माने के साथ उन्हें सील कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर संभाग के विभिन्न जिलों में छापेमारी चल रही है। शोपियां जिले के वाची और जैनपुरा इलाके में फिलहाल आज सुबह NIA की करीब 6 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इसमें पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। पाकिस्तान को BSF ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB का उल्लंघन कर ड्रोन की घुसपैठ कराने पर कड़ी नसीहत दी है। ऑक्ट्राई पोस्ट पर सेक्टर स्तर की फ्लैग मीटिंग में BSF के अधिकारियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को ड्रोन घुसपैठ की हरकतों पर कड़ा विरोध जताते हुए उन्हें उकसाने वाली गतिविधियों से दूर रहने को कहा। पाकिस्तान को सीमा पास BSF के रक्षा निर्माण कार्य नहीं भा रहे हैं। PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र यदि कश्मीर को अपने साथ रखना चाहता है तो उसे अनुच्छेद 370 लौटाना होगा। जम्मू कश्मीर ने महात्मा गांधी के भारत को चुना था। यहाँ की आवाम नाथुराम गोडसे के भारत के साथ नहीं जा सकती। महबूबा ने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 अलग संविधान और अलग झंडे की शर्त पर भारत के साथ आना मंजूर किया था। ये सम्मान और पहचान नहीं लौटाने पर हमें भारत के साथ रहने का फैसला वापस लेना होगा। रामबन में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। कश्मीर घाटी में 1 जनवरी 2020 के बाद से अब तक विभिन्न मुठभेड़ों में 351 आतंकी मारे गए हैं। इस दौरान क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। ये जानकारी IGP कश्मीर विजय कुमार ने दी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में TRF के 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 144 आतंकी मारे गए हैं।
जम्मू में 56th जूनियर नेशनल आर्टिस्टिक और 25th रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के तीसरे दिन रिदमिक जिम्नास्टिक संगीत की धुन पर हवा से बात करते दिखे। आत्मविश्वास से भरपूर हर जिम्नास्ट संगीत की धुन पर कदम ताल करती दिखी। कभी उनका शरीर हवा में तो कभी जमीन पे तैरता नजर आया।